पोटका विधानसभा के युवा विधायक संजीव सरदार शनिवार 9 मार्च 2024 को पोटका के चार जगह पर जन कल्याणकारी योजनाओं का किया शिलान्यास। पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल जमशेदपुर अंतर्गत पोटका कुदादा सड़क मरम्मती कार्य का शिलान्यास, तिरल्डी गांव में भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास, ग्राम टांगराइन में भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास, कुटसुरी गांव में तालाब जीर्णोद्धार का शिलान्यास विधायक संजीव सरदार नारियल फोड़कर विधिवत रूप से किया। मौके पर सांसद प्रतिनिधि जसवंत महतो उपस्थित थे। विधायक ने कहा कि झारखंड का पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे झारखंड में वैसे खराब रोड को चिन्हित करते हुए मरम्मती के लिए स्वीकृति प्रदान किए थे। वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने उन्हीं के पद पर चलते हुए वैसी सड़कों को मजबूती के साथ मरम्मती करने की स्वीकृति दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत पहले से बना हुआ पथ जो कि मुख्य पथ से गांव को जोड़ता है, वैसे ही पथ को चिन्हित करते हुए 8 फेज में राइडिंग क्वालिटी में सुधार एवं मजबूतीकरण करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिन हमारा पोटका विधानसभा में जहां जहां रोड बना हुआ है सभी रोड को चिन्हित करके रिपेयरिंग करवाई जाएगी ताकि पोटका विधानसभा के लोगों को आने जाने के लिए सुविधा हो सके। शिलान्यास कार्यक्रम में विभागीय पदाधिकारी एवं कर्मचारी लेट से पहुंचने के कारण भड़के विधायक संजीव सरदार। उन्होंने कहा विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों का कार्यों में ऐसी उदासीनता रहेगी तो काम कैसे होगा। ऐसे लोगों को चिन्हित करके सरकार को अवगत कराया जाएगा। इस मौके पर पूर्व जिला परिषद चंद्रावती महतो, आंदोलनकारी बबलू चौधरी, सुनील महतो, प्रखंड अध्यक्ष सुधीर सोरेन, हितेश भगत, रजनी सड़ंगी, भुवनेश्वर सरदार आदि उपस्थित रहे। मुख्य पथ जो है वो मुख्य पथ कुदादा से लेके पोटका तक ये विशेष मरम्मत कार्य लगभग 9 करोड़ रुपये से बने और ये पूरे झारखंड में और हमारे पोटका विधानसभा में, जैसे हम लोग सरकार आए थे, सरकार आने के बाद कोविड काल हो गया था। कोविड काल के दौरान ही माननीय मुख्यमंत्री उस समय हमारे हेमंत सोरेन थे, उन्होंने पूरे कैसे रोड को पूरा कैसे सुदृढ़ीकरण किया जाए रखरखाव के साथ और कैसे मजबूती किया जाए, तो इसे चिन्हित करते हुए वैसे रोड को स्वीकृति देने का काम किए थे। आज जो वर्तमान हमारे झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी ने उन्हीं पद पर चलते हुए सभी को आज सुदृढ़ीकरण और मजबूतीकरण के साथ मरम्मत करने का काम किया। आज से कोई दिन पहले आता से मुसावनी तक के लिए उस पद के लिए भी हम लोग शिलान्यास कर चुके हैं, काम कंप्लीट के आधार पर है। और उसके साथ साथ जो मुख्य पद से गांव को जोड़ता है, जो पहले PM JSY से बना था रोड, ग्रामीण सड़क बीच बना था गांव गांव, वैसे रोड को चिन्हित करके 8 फेज में लगभग 100 से अधिक रोड को भी सुदृढ़ीकरण और मजबूतीकरण के साथ साथ रिपेयर का काम करने का किया जा रहा है। और आने वाला दिन में जहाँ जहाँ रोड बना है हमारा पोटका विधानसभा में सभी रोड को चिन्हित करके रिपेयर कराया जाएगा ताकि हमारे इस झारखंड के पोटका विधानसभा लोग को जाने आने में सहूलियत हो। सरकार का ही कार्यक्रम में काफी विलंब भी हुई देखने को मिला, विलंब भी कार्यक्रम में आज हम लोग सब कोई पहुंच गए, यहाँ हमारे सांसद प्रतिनिधि भी पहुंच गए, विभाग का कोई आदमी नहीं पाया और अभी भी नहीं पहुंचा। ये बात सही है, इस तरह का उदाहरण सीधा रहेगा इस पदाधिकारी कर्मचारी लोग, तो हम लोग इस लोगों से क्या उम्मीद है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके सरकार को अवगत कराया जाएगा, उचित जगह में और इनका ऊपर उचित विचार करने का कहा जाएगा। ऐसे ऐसे जो पदाधिकारी हैं, ऐसे जो कर्मचारी हैं, सरकार के इच्छाओं को, सरकार के सोच को धरातल पर उतरना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, उसी वजह से बताया जाएगा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।